तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई से भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से ही किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, स्विफ्ट कोड की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी यूट्यूब से पेमेंट आती है, एडसेंस से पेमेंट आती है। हम उसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, एडसेंस में अपना जब बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमको स्विफ्ट कोड भरना होता है। अगर हम स्विफ्ट कोड नहीं भरते हैं तो हमारी जो पेमेंट है वो नहीं आती है और वो फॉर्म ही फिल नहीं होता है, आपका बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं होगा अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं भरेंगे। और दोस्तों, अगर आप बैंक में जाते हैं स्विफ्ट कोड की पूछते हैं तो कई बार तो बैंक वालों को ही नहीं पता होता कि स्विफ्ट कोड होता क्या है और स्विफ्ट कोड है क्या बैंक का। तो दोस्तों, ऐसे में आप चिंता में पड़ जाते हैं कि आप स्विफ्ट कोड कहां से लाएं, कैसे पता करें। तो दोस्तों, इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आप अपने मोबाइल से ही पता कर सकते हैं कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है और स्विफ्ट कोड को आप अपने जो एडसेंस है उसमें डाल सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। बिना देर किए मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्विफ्ट कोड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं या फिर कोई और ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई ब्राउजर ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है स्विफ्ट कोड, जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्विफ्ट कोड। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बाद में जैसा भी आपका कोई भी बैंक के हो। तो जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। आपका जो भी वो स्टेट बैंक है या फिर कोई और भी जो भी बैंक है वो उसका नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, ये देखिए, और मैंने सर्च कर दिया। दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे आना है, ये दिए हुए हैं इनको आपको छोड़ देना है, इनमें से कुछ नहीं लेना है। आपको थोड़ा नीचे आना और आपको एक साइट देखेगी www.ifscswiftcodes.com, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, आप क्लिक कर दोगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में तो इंडिया रहने ही देना है, दूसरे में आपका बैंक अपने आप ही आ जाएगा जब आप वहाँ पर लिख दोगे। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको बैंक नहीं आएगा, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक चूज कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टेट नेम, आपका कौन सा स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। तो मैं जैसे यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं कर लेता हूँ राजस्थानी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिटी नेम सेलेक्ट करना है, अलवर यहाँ से कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक और सेलेक्ट मिलेगी, सेलेक्ट ब्रांच नेम, इस पर जैसे आप क्लिक कर देते हो उसके बाद आपकी ब्रांच का नेम अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जो भी स्विफ्ट कोड होगा वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये देखिए जो स्विफ्ट कोड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्विफ्ट कोड आपको कॉपी कर लेना है, यही आपका स्विफ्ट कोड लग जाएगा। और दोस्तों, आपको आईएफएससी कोड में आपकी जो ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ से आपको सिर्फ स्विफ्ट कोड ले लेना है। दोस्तों, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप अपना स्विफ्ट कोड जान पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दें लाइक और चैनल को दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।